हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासिक कुकिंग एंड बेकिंग में। तो आज हम बनाएंगे कोकोनट बर्फी यानी नारियल बर्फी, और वो भी बहुत आसान तरीके से। आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप कंडेंस मिल्क, दो बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा, एक बड़ा चम्मच घी, एक छोटा चम्मच दरदरा कुटा हुआ इलायची, आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ पिस्ता जो मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी, और ये मैंने लिया है दो कप नारियल पाउडर। अब हम एक गर्म कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम नारियल पाउडर डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। हमें इसे एक मिनट तक भूनना है। जब इसमें से नारियल की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, मतलब हमारा नारियल बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें रूह अफ़ज़ा भी मिला लेंगे। और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिला लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम इलायची पाउडर मिला लेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ हमें फ्लेम ऑफ़ कर देना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, हमें इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है जितने में इसे हम हाथ में ले सकें। ठंडा हो गया है और यहाँ मैंने प्लेट में घी लगा लिया था और उसके ऊपर हम इस मिक्सचर को रख लेंगे। और अब इसे हम प्रेस करते हुए स्क्वायर शेप देंगे, तो इसी तरह हल्के हल्के से प्रेस करते हुए हमें स्क्वायर शेप में इसे लाना है। इसे सेट करने के लिए केक टिन का यूज़ ना करें, सिर्फ प्लेट का यूज़ करें, क्योंकि केक टिन में जब आप पीसेस कट करते हैं तो वो प्रॉपर शेप में नहीं बाहर आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेट का यूज़ किया है। अब इसे हम फ्रिज में एक घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी पीसेस कट करेंगे। एक घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। और यहाँ मैंने सारी बर्फी के ऊपर इस तरह से पिस्ता लगाकर उसे डेकोरेट कर लिया है, और ये हमारी कोकोनट बर्फी बनके तैयार है। आपने देखा मैंने कितने कम चीज़ों से, कितने कम समय में इसे बनाया है। ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतना ही लाजवाब है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।